गुरुजी की मास्टर क्लास। जय शंकर। सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज की इस सातवीं मास्टर क्लास में गुरुजी हमें ये बताने वाले हैं कि मंगल देवता जब कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इसका क्या फल जातक को मिलता है। सप्तम भाव हमारी स्पाउस यानी कि लाइफ पार्टनर का भाव भी है, तो इस भाव में बैठकर मंगल देवता किन शुभ फलों को जातक को देते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा गुरुजी इस मास्टर क्लास में करने वाले हैं। इसके साथ साथ गुरुजी ये भी बताएंगे कि सप्तम भाव में विराजमान मंगल किन अशुभ फलों को जातक को दे सकते हैं, तो अशुभ स्थितियों में इन अशुभ फलों की प्राप्ति जातक को होती है। चलिए अब बिना विलंब के आज की मास्टर क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रिय भक्तगण, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, सातवें घर में बैठे हुए हैं, सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, तो सातवें स्थान पर बैठे हुए मंगल आपको मंगली बना देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आ रहे इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि मंगल अगर यहां बैठता है तो आपको मंगलिक होने का, भौम दोष लगने का प्रतीक बनता है। इस मंगल का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। उपाय आपने स्वयं करना, दो ही तरीके हैं, या तो आप स्वयं पूजा पाठ करके इनको ठीक करें, या हमारे संतों ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय हैं उनका पालन करें। ऐसे मंगल आपको अपने जीवन साथी द्वारा बारंबार अपमानित कराते हैं। ऐसे मंगल आपको लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के झगड़े पैदा करते हैं, मजबूर करते हैं वहां जाने के लिए। ऐसे मंगल आपको कामी और क्रोधी बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको खुद को अपमानित होना पड़ता है। आपके लाइफ पार्टनर से जो मिलने वाला सुख है उसको छीन कर देते हैं, कम कर देते हैं। आपके खुद की प्रेजेंस में आपके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा दोष लगता है, मंगलिक दोष। इसी की वजह से तो आज जन्म कुंडली मिलाना नितांत आवश्यक है। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि बिना जन्म कुंडली मिलाए जीवन में कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपने जीवन साथी से थोड़े बहुत सुख की कामना करनी है, अभिलाषा रखनी है, तो जन्म कुंडली अवश्य मिलाइएगा। कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन साथी का मंगल सप्तम भाव में बैठकर आप ही के लिए कष्टकारी हो, आप ही का जान लेने का कार्य करने वाला हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप सप्तम स्थान में बैठे हुए भौम दोष, मांगलिक दोष, मंगल दोष का परिहार अवश्य करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो हमारे महान संतों में मुनि और ऋषियों की तपस्या के बल पर हमें आज धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन उपायों के माध्यम से आपकी मदद की जा सकती है, आपके दुखों को कम किया जा सकता, आपकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। आशा करता हूँ आप सभी व्यूअर्स को गुरुजी की ये मास्टर क्लास बहुत पसंद आई होगी, जहाँ पर आज गुरुजी ने हम सभी को बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट मैनर में आज ये समझाया कि जब मंगल देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो इसका क्या फल जातक को क्या मिलता है, जातक पर इसके क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। जिन भी व्यूअर्स की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, वो एक बार गुरुजी द्वारा बताए गए इस ज्ञान को अपने ऊपर आजमा कर देखें और बताएं, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि कितना ये आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है। सभी व्यूअर्स से मेरा निवेदन होगा, इस मास्टर क्लास को आप रेगुलरली ऐसे ही देखते रहें। हर दिन 8:30 बजे गुरुजी की ये मास्टर क्लास YouTube पर आपके लिए लाइव होती है, और इस मास्टर क्लास में आप ज्योतिष के अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने प्रश्नों को छोड़ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग अवश्य करें। जय श्री देव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।